हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर दोस्तों आप कम से कम प्राइस में एक वायरलेस पोर्टेबल काफी अच्छा पावरफुल स्पीकर वगैरह ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो कमाल की होने वाली है। आप ही के लिए वीडियो बनाई है क्योंकि मेरे पास अनबॉक्सिंग करने के लिए अरोमा के ब्रांड के साथ आने वाला वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर जो काफी पावरफुल है, तो इसी की अनबॉक्सिंग वगैरह करेंगे। फीचर्स भी बताऊंगा, प्राइसिंग वगैरह बताऊंगा और ये बताऊंगा क्या इसको परचेजिंग वगैरह इस प्राइस में आपको करना चाहिए। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से बता दूं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर दीजिए और उसके बगल बेल आइकन को उसे अनेबल कर दीजिए ताकि ऐसे कुछ कमाल के अनबॉक्सिंग वीडियो लाते रहे तो उसे अपने फोन पे सबसे पहले देख पाए। तो चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बॉक्स पैकिंग की बात करें तो यहाँ पे अरोमा के ब्रांडिंग की गई, पोर्टेबल पार्टी स्पीकर की ब्रांडिंग की गई। यहाँ पे आपको फीचर्स वगैरह मेंशन किया गया जिसमें कोई स्प्लैश प्रूफ वगैरह है, तो फीचर पावरफुल होने वाला, फीचर्स के मामले में आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाला, ये सारे डिवाइस कंफर्टेबल वगैरह है तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं वाला। स्टूडियो 34 इसका मॉडल नंबर है। तो फटाफट ओपन करते हैं, बॉक्स पैकिंग देखने में काफ़ी सही से लग रही है तो ओपन वगैरह करते हैं। साइड में लीड रखा है, इसको हटाते हैं और ये रखा हुआ मिल जाता है दोस्तों प्लेन सी पैकिंग वगैरह में स्पीकर, जो आया तो था कुछ पन्ने के साथ लेकिन मैंने यूज वगैरह किया तो पन्ने वगैरह कहाँ रख दिया पता नहीं। चाचा ये सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो ये दोस्तों USB 2 माइक्रो USB केबल है जिसे इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं और ये है हमारा वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर जिसके सबसे पहले कलर बिल्कुलिटी की बात करूँ तो फुल्ली ब्लैक है। यहाँ पे आपको फैब्रिक मटेरियल दिया गया है जो आर्मी ग्रेड वगैरह होता है, आर्मी का कलर वगैरह तो वैसे कुछ रखा गया, मिलता जुलता रखा गया, तो कलर कॉम्बिनेशन देखने में काफ़ी सही लग रही है। अगर ये आपको कलर पसंद नहीं है तो और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाकर चेक वगैरह कर पाएंगे। जिसमें इसकी बिल्कुलिटी की बात करूँ, बिल्कुलिटी काफ़ी प्राइजिंग हिसाब से काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे अरोमा की ब्रांडिंग रखी है, यहाँ पे आपको पैडिंग के लिए नीचे दिया गया तो पैडिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बिल्कुलिटी ऑसम वगैरह लेवल की दी गई, जहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे लाइटिंग का ऑप्शन दिया गया है, RGB लाइट नहीं है, नॉर्मल से लाइट वगैरह दिया गया। जहाँ पे आपको इसको ऊपर करेंगे तो स्मार्टफोन वगैरह स्टैंड वगैरह करना चाहते हैं, कोई भी स्मार्टफोन स्टैंड करना होगा तो यहाँ पे इसको स्टैंड वगैरह करके म्यूजिक का मजा वगैरह ले पाएंगे तो काफ़ी सही है। और ये यहाँ पे आपको सारा कंट्रोल दिया गया, जहाँ पे आपको बीच में आपको पावर ऑफ बटन दिया गया, मोड बटन दिया गया, तो बिल्ट इन FM है तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्ले पॉज बटन है, कॉलिंग भी ले पाएंगे, बिल्ट इन माइक है, माइनस प्लस बटन है, तो सारा कंट्रोल आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा। इधर की बात करूँ, इधर USB केबल है, LED इंडिकेटर है, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है, USB पोर्ट है, तो इससे पेन मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव वगैरह लगा के इसको यूज वगैरह कर सकते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए। ऑप्शन के मामले में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं करने पड़ेगा, तो काफ़ी ऑप्शन सही से देखने के लिए मिल जाती है जिसमें आपको इसको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली। ये कर लो पहले। अब इसके दोस्तों फीचर्स की बात करूँ तो फीचर्स में सबसे पहले बैटरी की बात करूँ तो एक बार इसको चार्ज करने में 1 से 1.5 घंटे के आसपास लगेगा, लेकिन एक बार फुल चार्ज वगैरह कर लेंगे तो बैटरी लाइफ की बात करूँ तो ब्रांड का कहना है 10 आवर के आसपास मिल जाएगा, लेकिन मैंने जितना यूज़ किया उसके हिसाब से बात करूँ तो 7 से 8 आवर के आसपास मिल जाएगा, वो भी नॉर्मल पर सुनते, अगर फुल पर सुनते तो 5 से 6 आवर के आसपास ही बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलेगा, जो ज़्यादा तो नहीं है लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा। अब उसके बाद बात करूँ कनेक्टिविटी के, तो V2 5.0 का कनेक्टिविटी दिया गया जो काफ़ी 10 मीटर रेंज वगैरह मिल जाएगा। आस पास में गाने वगैरह रख के सुनते हैं रूम वगैरह में तो डिस्कनेक्ट वगैरह नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत दूर जाएंगे तो कभी कभी डिस्कनेक्ट हो सकता है, तो डिस्टेंस वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आप 1-2 मीटर के रेंज में रख के इसको सुनते हैं गाने वगैरह तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले, अच्छे से गाने वगैरह सुन पाएंगे। अब उसके बाद बात करूँ तो स्प्लैश प्रूफ का सपोर्ट बताया गया, लेकिन इसमें इसमें स्प्लैश प्रूफ का सपोर्ट बताया गया लेकिन नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो पोर्ट्स वगैरह विजिबल है, पानी वगैरह यहाँ पे आपको अच्छे जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम। अब बात करूँ आगे दोस्तों, इसमें स्प्लैश प्रूफ का सपोर्ट बताया गया लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूँ, इसको आपको पानी से जितना ज़्यादा बचा कर रखेंगे उतना अच्छा होगा, ये चीज़ें नहीं है बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते क्योंकि सारे पोर्ट विजिबल है, यहाँ से भी 100% चांस पानी जाने का, और मुझे लगता है यहाँ से स्पीकर से भी जा सकता है, तो जितना ज़्यादा इसको बचा कर रखेंगे पानी से उतना ही आपके लिए वेस्ट होगा, थोड़ा बहुत भी पानी कॉन्टैक्ट वगैरह में जाता है तो 100% वर्किंग करना बंद कर देगा, तो आपको इसको पानी से बचा के बिल्कुल भी रखना। उसके बाद बात करूँ माइक्रोफोन से दिया गया तो बिल्ट इन कॉलिंग वगैरह हो जाएगा, कॉलिंग वगैरह कॉलिंग की क्वालिटी नॉर्मल से देखने के लिए मिल जाएगा। अब उसके बाद बात करूँ साउंड क्वालिटी की, दोस्तों जैसे 2 आउटपुट स्पीकर है दोस्तों, 4 वाट का आउटपुट स्पीकर है, 8 वाट के आसपास टोटल आउटपुट वगैरह मिल जाएगा। तो उसके बाद बात करूँ तो साउंड क्वालिटी की, दोस्तों लाउडनेस वगैरह काफ़ी सही है, 8 वाट के आसपास काफ़ी सही और लाउडनेस वगैरह दिया गया, साउंड की क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी सही है। थोड़ा सा दोस्तों आपको साउंड क्वालिटी में सुनाता हूँ, फिर थोड़ी बहुत आप जज कर पाएंगे और मैं तो पर्सनली बताऊँगा साउंड क्वालिटी कैसी दी गई। Yeah.
फिर दोस्तों साउंड क्वालिटी तो आपको सुना दे, उम्मीद करता हूँ थोड़ी वो साउंड क्वालिटी आप भी जज वगैरह कर पाएंगे। मैं पर्सनली बात करूँ साउंड क्वालिटी का दोस्तों जैसे बताऊँ 8 बोर्ड का आउटपुट स्पीकर है, उसके हिसाब से सबसे पहले लाउडनेस की बात करूँ तो नेक्स्ट लेवल मिलती है। लाउडनेस के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। साउंड क्वालिटी पर बात करूँ तो साउंड क्वालिटी बेस वगैरह थोड़ा मिल जाएगा अच्छे लेवल पर, लेकिन साउंड की क्वालिटी उतनी नहीं मिलेगी क्योंकि प्राइसिंग बहुत कम है। उसके हिसाब से सही से मिल जाएगी, देखने के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर साउंड क्वालिटी वगैरह सुनते हैं साउंड वगैरह तो थोड़ा सा एक वॉल्यूम डाउन करके रखेंगे तो बेस अच्छे थोड़े आउटपुट वगैरह मिल जाएगा। अगर फुल पे साउंड सुनते हैं तो थोड़ी बहुत फटती है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। एक कम करके रखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आउटपुट वगैरह मिल जाएगा। तो प्राइसिंग हिसाब से बात करूँ दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने की मिल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। आप 500 रुपये से कम में, क्योंकि ये 350 से 400 रुपये के आसपास आती है, तो आप 500 रुपये के से कम के कम में स्पीकर वगैरह ढूंढ रहे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आँख बंद करके परचेज वगैरह कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, बस वारंटी नहीं मिलती, लेकिन इस प्राइस में आपको वारंटी बहुत कम ब्रांड वगैरह देती है। तो चलिए फिर दोस्तों परचेज वगैरह करना चाहेंगे तो लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से परचेज वगैरह कर पाएंगे। अगर ये आपको पसंद नहीं आया तो और भी मैंने बहुत सारे स्पीकर के अनबॉक्सिंग के, उन सब लिंक दे दूँगा, सब देख पाएंगे। नहीं तो प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं बहुत सारे स्पीकर के अनबॉक्सिंग के, जो कुछ ज़्यादा प्राइस भी है, कुछ इससे कम तो नहीं है ज़्यादा प्राइस में, लेकिन काफ़ी नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है उन सब स्पीकर की। तो चलिए फिर दोस्तों परचेज वगैरह करना चाहेंगे तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।